समाजवादी पार्टी की स्थिति लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के बीच विश्वास और भरोसा बढ़ता चला गया और अभी विधानसभा का चुनाव आया, परिणाम आपके सामने, जहां हम 47 सीटों पे थे आज 125 सीटों पर, जहां 20% वोट पे थे आज 36% से ऊपर गए। तो समाजवादी पार्टी के प्रति उत्तर प्रदेश के जनमानस में लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। ये अलग बात है कि बहुत सारे हथकंडे, बहुत सारे षड्यंत्र, प्रदेश की जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आर्य अखिलेश जी और उनकी नीतियों पर बढ़ रहा है लगातार, और इस चुनाव में भी बेहतर पड़ा मानते हैं। भाजपा के लोग लगातार इस तरीके के इलेक्शन रहा, इसमें कई प्रांतों में हुआ है। हालांकि पार्टी के लोग बहुत सजग हैं, और जब सजग हुए तो केवल 48 घंटे से भी कम समय के अंदर 10 जिलों की अनियमितताएं पकड़ी इन लोगों ने। बनारस में ईवीएम पकड़ी गई, बरेली में बैलेट पेपर पकड़े, मुरादाबाद में पकड़े, सोनभद्र में पकड़े, सुल्तानपुर में पकड़े, बांदा में पकड़े, गोरखपुर में पकड़े, लखनऊ में जो ताले तोड़ने का इंतजाम थे वो पकड़ा है। जब कार्यकर्ता हमारे सजग हुए तो कई जिलों में अनियमितताएं पूरे देश और दुनिया ने देखी। सांसद जी, लगातार भाजपा के नेता सवाल उठा रहे हैं कि 4 एमएलसी के लिए उम्मीदवार 4 बनाए ओनली मुस्लिम, यानी कि इस बार की विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, सिर्फ उम्मीदवार 4 क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी के लीडर को, समाजवादी पार्टी के ना कोई बताए कि हम अपने समर्थकों और अपने सुचिंतकों के हित और कल्याण के लिए क्या काम कर रहे हैं। हमें किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।